नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राकेश सिंह और आपके आगे लेके आया हूँ एक और बेहतरीन वीडियो। वीडियो है हमारी सियाज गाड़ी के ऊपर और इसमें आप देख सकते हो ये बटन अपना वर्किंग है और ये बटन वर्किंग नहीं है और अपना ट्रंक का बटन वर्किंग है। इसको हम ठीक करेंगे, अपनी वीडियो में आपको पूरा दिखाएंगे किस तरीके से इसको ठीक कर रहे हैं। लेकिन साथियों, जो कल मैंने वीडियो अपलोड किया था उस वीडियो पे काफ़ी भाइयों ने देखा तो एक क्वेश्चन आ रहा है कि उस वीडियो में कि एक्सोर्स के किसी डिवाइस से भी दिखाओ कि अनलॉक करके के की अनलॉक होगी या नहीं होगी होंडा की एक्सोर्स के डिवाइस से। तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सोर्स का ये वाला डिवाइस ले लेते हैं, पहले इस पर चेक कर लेते हैं कि इसमें उसका कोई अपडेट है या नहीं है। दोस्तों, आपके लिए वीडियो बनाते हैं अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए, और दूसरा मैं एक्सोर्स का मोबाइल ऐप पे भी आपको चेक करा देता हूँ जो अपना मिनी टूल आता है ये वाला। सबसे पहले हम इसमें चेक कर लेते हैं, तो इसमें स्पेशल फंक्शन में हम जाएंगे, रिमोट रिन्यू में जाएंगे, तो हमें दोस्तों यहाँ पे होंडा कहीं पे नहीं मिल रहा है देखने को। ऑडी है, चेयरलेसर, जीप डॉट गियर, निसान, किया, हुंडई, बिग सेवरलेट, मज़दा, गेटवेल, बीवाईडी, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, रेनॉल्ट, रेंज रोवर, मित्सुबिशी, वॉल्वो, हुंडई एंड किया, बिग सेवरलेट और पीएसए। यहाँ पे हमें होंडा कहीं नहीं मिला रिन्यूअल के लिए, तो मुझे नहीं लगता कि मोबाइल ऐप से होगी। और बाकी रही बात अपना की टूल मैक्स प्रो, इसमें भी चेक कर लेते हैं कि इसमें भी कोई अपडेट है या नहीं है रिमोट रिन्यू का। स्पेशल फंक्शन में जाएंगे, यहाँ पे रिमोट रिन्यू का ऑप्शन आ रहा है, इसमें जाके देखते हैं तो इसमें कहीं आपको होंडा दिखाई दे रहा है। नहीं जी, इसमें भी कहीं पे भी होंडा नहीं है। तो दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि अभी एक्सोर्स के किसी डिवाइस से जो होंडा की रिमोट की पीसीबी है वो रिन्यू हो रही होगी। बट एक ऑप्शन क्वेश्चन और है लोगों के मन में, क्या जो हमने की कल अनलॉक की थी क्या वो वर्किंग करेगी गाड़ी पे या नहीं करेगी। तो आज एक दो भाइयों के कॉल्स भी आए मेरे पास, उन्होंने बताया कि सर हमने अनलॉक की थी और गाड़ी पे हमने चेक किया था तो काम हमारा नहीं हुआ था। तो इसका अपडेट तो मैं आपको देता रहूँगा, कंटिन्यू अपनी अगली वीडियो में भी दूंगा। जैसे गाड़ी हमारे पास अरेंज होती है, गाड़ी कोई आती है, हम उस पर चेक करेंगे कि ये पीसीबी वर्किंग है या नहीं है, अनलॉक करने के बाद प्रॉपर काम कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। क्योंकि साथियों, अब हमने कई बार क्या होता है, एक भाई साहब हैं, उनका कॉल आया मेरे पास, उन्होंने बोला उनके पास 12 पीसीबी थी। आज उनका भी कॉल आया था, उन्होंने बताया उनके पास 12 पीसीबी थी, उन्होंने 12 की 12 पीसीबी अनलॉक कर दी, और 12 की 12 पीसीबी अनलॉक करने के बाद वो कह रहे हैं उनमें से एक भी पीसीबी गाड़ी पे नहीं चढ़ी, किसी भी गाड़ी पे, ना सिटी पे चढ़ी, ना अमेज ब्रियो पे चढ़ी, ना डब्ल्यूआरवी पे, किसी पे भी मतलब वो कोडिंग हुई ही नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम अनलॉक कर दे रहे हैं और डेटा भी करप्ट हो जा रहा हो उसका। तो इसलिए दोस्तों, मेरी चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें। मैंने दो पीसीबी अनलॉक करके रखी हुई है, एक जो वीडियो में दिखाई थी, एक वीडियो से पहले मैंने की थी। तो उन्हीं पीसीबीओ को जैसे कोई गाड़ी अरेंज होती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से डिवाइस से कोडिंग करके दिखाएंगे कि वो सक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है। अब आगे की जो हम बात करते हैं वो हमारी जो है चाबी, सियाज की जो चाबी है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसको चेक करते हैं इसमें क्या इशू है कि ये बटन वर्किंग क्यों नहीं कर रहा है। इसका बटन ही टूटा हुआ है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे बटन टूटा हुआ है इसका। कोई मसला नहीं है दोस्तों, इसमें हम दूसरा बटन लगा देंगे और दूसरा बटन लगा के आपको ये दिखाते हैं। लो जी, चेंज करो बटन को। यहाँ पे हम बटन रिप्लेस कर लेंगे। और यहाँ पे हमारा स्विच लग चुका है, एक बार लगाओ चाबी में फिट करके चेक कराओ।
और यहाँ पे हमारा रिमोट आ गया है वर्किंग कंडीशन में, हम बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें, बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक्स टू वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।